हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से पराठा कैसे बनाते हैं, आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग तो पराठा बहुत तरीके से बना के खाए होंगे, लेकिन इतना इजी और टेस्टी पराठा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग देखते रहिए पूरा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने एक थाली में आटा लिए है, आप लोग मैदा भी ले सकती है। इसमें दे दी है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कुकिंग ऑयल और हाथों से इस तरह से मिक्स करके इसमें दे देंगे पानी और आटा अच्छी तरह से गूंदना है। पराठा सिर्फ नमक और आटा से बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इतना इजी पराठा आप लोग किसी भी वक्त बना सकती है, किसी भी उनकी गोश्त या दाल या सब्ज़ी के साथ खा सकती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ओके, आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद लिए है, अभी 10 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और तो चलिए अभी पराठा बनाते हैं। हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है और 4-5 टुकड़ा करूँगी, छोटा छोटा पराठा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं बनाऊँगी, मीडियम साइज़ का। आटा मैंने मिक्स कर लिया है, अभी बेलना है। आप लोग किसी भी शेप में भी बना सकते हैं, आज मैं थोड़ी सी अलग स्टाइल में बनाऊंगी। ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बनाऊंगी, इस तरह से रोटी जैसा बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, एक रोटी मैंने बना ली है, ज़्यादा पतला या मोटा नहीं किए है, अभी इस तरह से मैंने ऐसे कर देंगे दोनों साइड। दो साइड इस तरह से ऐसे कर देंगे और ये साइड भी ऐसे कर देंगे और इसी तरह से बेलना है। ज़्यादा पतला या मोटा नहीं करना है, मीडियम साइज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने बना लिए है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और एक बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये पराठे भी वैसे ही बनाऊंगी, आप लोगों को इजी दिखने के लिए मैंने और एक बना के दिखाया है। इस तरह से पहले बेलना है, दोनों साइड से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। आप लोग बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकती है या आप लोग किसी भी वक्त बना सकती है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। देखिए ये पराठा भी मैंने बेल लिए हैं। देखिए ऐसे करके सारे पराठा बना के आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मैंने बेल लिए हैं, देखिए रोटी मैंने बना लिए हैं। तो चलिए अभी पराठा बनाते हैं, सेकते हैं, तेल में फ्राई करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने एक पैन सरा दी है, इसमें अभी जो मैंने बनाया है रोटी वो दे देंगे। आप लोग 1-2 मिनट तक इस तरह से फ्राई करके तेल दे सकती है, या आप लोग अंडा
एक बोल में मिक्स करके इस तरह से ऊपर से भी दे सकते हैं। मैंने सिर्फ सरसों का तेल दे दिए है, सरसों का तेल से पराठा मुझे अच्छी लगती है इसीलिए। कलर भी अच्छी आती है इसीलिए। दोनों साइड इस तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए पराठा हमारी फूल रही है। देखिए फ्रेंड्स एक साइड में फ्राई कर ली है, दूसरा साइड भी फ्राई करेंगे। और ये पराठा भी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अब ये तवे से निकल लेते हैं और एक फ्राई करके आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए और एक दे दिए हैं ये पराठे भी। दोनों साइड इस तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए फूल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स ये पराठे भी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। ये भी तेल से निकल लेते हैं और सारे पराठा बना के आप लोगों से मिलती हूँ। और बाकी जो 4-5 मैंने बनाए हैं वो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली सारे पराठा मैंने सेक लिए है, बना लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। रात हो चुकी है इसीलिए थोड़ी सी ऐसी लग रही है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बनी थी। साथ में लिए हैं मैंने मटन करी जो बहुत ही टेस्टी लग रही है, आप लोग किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकती है। देखिए कितने सारे मैंने बना लिए हैं, ये सच में बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग जब तक नहीं बना के खाएंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कितनी स्वादिष्ट है। अभी मैं खा के आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग इस तरह से बना के ज़रूर खाएं। और कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।